ये समझते हैं हम लोगों का हिचकी कैसे आता है, सरकते कैसे है, तो चलिए समझते हैं हिचकी कैसे आता है और कैसे हम लोग सरकते हैं। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा देखेंगे। यहाँ पे देखिए फूड पाइप, ये जो है एक ही नली होता है, आगे आके नली दो बन जाता है, एक फूड पाइप के रूप में होता है फूड वाला नली और एक होता है हवा वाला नली, ठीक है। एक बीच में यहाँ पे एक होता है एपिग्लोटिक्स, ये जो गार्ड का काम करता है, ये गार्ड का नाम होता है एपिग्लोटिक्स। ये गार्ड काम कब काम करता है, तो ब्रेन के अंडर काम करता है। कब काम करता है, ब्रेन जो बोलेगा वही काम करेगा एपिग्लोटिक्स, ठीक है। तो एपिग्लोटिक्स जो है क्या करता है, ये रास्ता को, अगर हम लोग सांस लेते हैं, सांस ले रहे हैं, हवा आ रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, तो ब्रेन कहता है कि देख चाचा ये बंद कर, ये फूड वाला पाइपों का बंद कर। तो ये जो है ना एपिग्लोटिक्स आकर फूड वाला पाइप को बंद करता है और वायु वाला नली को खोल देता है, ठीक है। तो हवा ले लेते हैं, उसके बाद खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो उस समय क्या होता है, जब खाना खाते हैं तो फूड वाला नली को ओपन करता है, खोल देता है और बंद कर देता है सांस वाला नली को, ठीक है। ये ब्रेन के अंडर काम करता है, ठीक है। इतना तक तो आप समझिएगा कि जब हम लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाने के दौरान में या तो हम लोग सरक जाते हैं या तो हम लोग का हिचकी आ जाता है, तो उस समय क्या काम होता है देखिए। तो उस समय जो है ब्रेन को ना खाने के दौरान जो है ब्रेन को कहीं और बिजी कर देते हैं, किसी सोचने में बिजी कर देते हैं, उसके वजह से ब्रेन जो है कहीं और बिजी रहता है, तो उसको जो है ना बिजी रहने की वजह से एपिग्लोटिक्स को ऑर्डर देना भूल जाता है, वो भूल ही जाता है कि एपिग्लोटिक्स काम कब करेगा, जब ब्रेन इसको मैसेज करेगा, ब्रेन इसको बताएगा कि तुम इधर मोड़ो, जिधर मोड़ना है वो ब्रेन बतलाता है। तो जब खाना खा रहे और खाते खाते आ रहा है, तो एपिग्लोटिक्स देखते रहता है कि कब हमका ब्रेन हमका मैसेज करे या ब्रेन हमका बोले कि किधर बंद करे, हवा वाला बंद करे या फूड वाला पाइप बंद करे, मतलब खाना वाला पाइप बंद करे या हवा वाला पाइप बंद करे। तो ब्रेन तो कहीं और बिजी रहता है, तो ये काम ही नहीं करता है। तो ये चचा कहता है बोलना चचा किधर बंद करे, फूड वाला बंद करे या हवा वाला, तो ब्रेन तो कहीं और बिजी है, तभी वो अनजादी इधर उधर चुपचाप हो जाता है। तो जब खाना खा रहे होते हैं आके एपिग्लोटिक्स जो खाना वाला पाइप वाला बंद कर देता है, ये दरवाजा का काम करता है, बंद कर दिया, खाना चला आया एयर वाला में, हवा वाला में चला है। तो हवा यहाँ जैसे ही खाना आता है तो इधर देख रहता है, चचा तो इधर आए रहनी माता हचक के ना, तभी हम लोग सरक जाते हैं, ठीक है। सरकते उसी समय सरक जाते हैं या नहीं तो हम लोग हिचकी आ जाता है, मरता है, तो क्या खाना जो है ना नाक से निकल जाता है या मुंह से या पेट में आ जाता है, ठीक है। ये धकलते रहता है, फिर देखता है एको को अगर है तो फिर मरता है, इस तरीके से बार बार उसको झटका मारता है और ये खाना बाहर निकलता है। तब जो है ना सरकते हैं या हम लोग क्या होते हैं सरक जाते हैं या हम लोग क्या होते हैं हिचकी आ जाता है, इसकी वजह से। तो हम लोग मम्मी पापा क्या करते हैं कि नहीं माथवा ऐसे ऐसे क्या कर देते, थप थपा देते, इसका मतलब जो है ना ब्रेनवा को ना जगा देते हैं। वो सब कहता है क्या नहीं कोई नाम ले रहा लो, कोई नाम नहीं ले रहा, उसका ध्यान कहीं और है और खा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग को हिचकी और सरकते हैं, समझ में आ गया। तो एपिग्लोटिक्स का काम यही होता है कि ये पाइप को इधर उधर काम करने का, मतलब जिधर बोलेगा उधर ही काम करेगा, ये जिधर बोलेगा इधर बंद करो तो इधर, उधर बंद करो तो इधर, ब्रेन जो है इसको ऑर्डर देता है। तो इस तरीके से हम लोग देखें कि सरकते कैसे हैं, हिचकी कैसे आता है। थैंक यू।